नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार गर्मी से निजात पाने एवं मौज मस्ती करने के लिहाज से कुछ दोस्त पास के ही पोषक रामगंगा नहर में नहा रहे थे कि इसी बीच पानी के तेज बहाव में अभिषेक नाम का शख्स डूब गया। निजी गोताखोर व मेरठ से आई 44 PSC बटालियन के गोताखोर नहर में मोटर बोट के जरिए युवक को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि बिजनौर के गुहावर इलाके का रहने वाला अभिषेक कल दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ पास के ही पोषक रामगंगा नहर में मौज मस्ती एवं गर्मी से निजात पाने के मकसद से नहा रहा था। इसी बीच अचानक नहर में पानी के तेज बहाव में महज 18 साल का अभिषेक डूब गया। चश्मदीद दोस्तों ने अभिषेक के परिजनों को आबीती सुनाई तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शुरुआती दौर में निजी गोताखोरों ने नहर में अभिषेक की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। स्थानीय पुलिस एवं मेरठ की 44 PSC बटालियन गोताखोर की टीम मोटरबोट के जरिए नहर में लापता अभिषेक की तलाश कर रही है। प्लाटून कमांडर अनुज यादव ने जानकारी देते हुए बताया। अनुज यादव, प्लाटून कमांडर, बाढ़ हाथल 44 बटालियन मेरठ। ये लड़का कोई डूबा था, इसको ही रेस्क्यू करने आए हैं। ये कल से करी जा रही है तलाश की। हाँ, थोड़ा अभी टाइम लगेगा उसको, जैसे जैसे बॉडी अपना फूलेगी ऊपर आएगी। थोड़ा अभी अब जा रही है कोशिश, जा रही है जितनी जल्दी हो जाए। हमको हो गए तकरीबन 10-12 घंटे तो कल की थी, और आवाज स्टार्ट की है। कल रात को अंधेरा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरे में ठीक से हो नहीं पा रहे जी। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।